कंट्रोल सिस्टम पर बेस्ड ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम कंट्रोल सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आपका कंट्रोल सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसका बेस तैयार होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंट्रोल सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं, उन एलिमेंट्स के कंट्रोल एक्शन की वजह से अगर हम आउटपुट को कंट्रोल कर पाए कि हमारे पास कोई इनपुट है, ठीक है, आर 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 मैंने इनपुट मान लिया और मेरे पास सी अगर कोई आउटपुट आ रहा है, तो इस आउटपुट की वैल्यू को अगर मैं किसी कंट्रोल एक्शन की मदद से कंट्रोल कर सकूं तो वो मेरा कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो यहां पर मैं कंट्रोल सिस्टम लिख देता हूं, कंट्रोल एक्शन, ठीक है। तो ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है। अब आप कोई भी सिस्टम देख लीजिए, इवन अपनी ह्यूमन बॉडी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है। आप कोई भी सिस्टम देख लीजिए, कोई मशीन देख लीजिए, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी मशीन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन देख लीजिए, आपका रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, एसी देख लीजिए, फैन, कूलर, सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ उसके अंदर ओपन लूप सिस्टम होगा तो कुछ उसके अंदर क्लोज लूप सिस्टम होगा। अब ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले हम कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू जानते हैं। तो जैसे मैं आपको कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ पर वाटर लेवल डिटेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक वाटर लेवल डिटेक्टर लिया, इसका यहां से मैंने इसके अंदर पानी दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। अब मैंने इसके अंदर मान लीजिए एक सेट पॉइंट तय कर दिया कि मुझे यहां पर 5 मीटर हाइट तक वाटर चाहिए, 5 मीटर से ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, मुझे 5 मीटर तक मेंटेन वाटर चाहिए ही चाहिए। यहां पर मान लीजिए मैंने एक टैप लगा दिया इस तरीके से, यहां पर मैंने टैप लगा दिया जिसको मैं ओपन और क्लोज कर सकता हूं, और ये मेरा आउटलेट हो गया, ठीक है, ये आउटलेट हो गया और ये इनलेट हो गया। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस 5 मीटर, जैसे ही मैं यहां पर पानी डालूंगा तो वो पानी 5 मीटर तक आ गया। अब अगर वो 5 मीटर पर मेंटेन्ड है तो आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है, लेकिन अगर 5 मीटर से ज्यादा हो गया तो आपका सिस्टम में कुछ डिस्टरबेंस आ गया। वो डिस्टरबेंस आपको देखते हुए क्या करना होगा कि इस जो टैप है इसको आप खोल देंगे, तो इसको खोल देंगे तो यहां से पानी निकलेगा तो वापस से 5 मीटर पर आ जाएगा। टैप क्या कहलाया आपका, कंट्रोल एक्शन कहलाया। आप इस पानी को इस टैप की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं, इस पानी के लेवल को। तो कंट्रोल जो कंट्रोल एलिमेंट है यहां पर वो आपका टैप कहलाया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं कोई हीटर ले लेता हूं, जैसे मैंने कोई रूम हीटर ले लिया, तो रूम हीटर आप ले सकते हैं या कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल आप देखेंगे। ये मैं सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कह रहा हूं कि आप कंट्रोल सिस्टम का बेसिक समझ पाए कि कंट्रोल सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं इस सब्जेक्ट को। जैसे आपने कोई रूम हीटर लिया, रूम हीटर के अंदर कुछ रॉड्स लगी होती हैं, जैसे ही आप उसका कनेक्शन आप इलेक्ट्रिक प्लग से करते हैं और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होने लगती है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होने लगती है। तो वो जो हीट जनरेट हो रही है वो कब तक होगी, जब तक आपका स्विच ऑन रहेगा, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे तब तक वो ऑन होता रहेगा। जैसे ही आप स्विच को बंद कर देंगे तो वो आपका बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपका रूम वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम कैसे है कि आप अगर स्विच को ऑन कर रहे हो तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बंद कर रहे हो तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो स्विच है वो कंट्रोल एक्शन हो गया यहां पर। तो यही कंट्रोल एलिमेंट जो है वो उस आउटपुट को रेगुलेट कर रहा है कि आपको हीट जो है वो आउटपुट है यहां पर। अब अगर वो हीट उसके बंद करने से कम हो रही है तो रेगुलेट हो रही है, उसके स्टार्ट करने से ज्यादा बढ़ रही है तो वो ज्यादा हो रही है। तो इसी तरीके से दो एग्जांपल मैंने आपको बताए। तीसरा आप ट्रैफिक लाइट का ले सकते हैं, कोई भी वॉशिंग मशीन का, किसी भी तरीके का एग्जांपल ले लीजिए आप, सिंपल लाइट का ले लीजिए। ट्यूबलाइट को अगर आपने ऑन करा तो वो ऑन हो गई, उसने लाइट दी, वो लाइट आपका आउटपुट है, वो जो स्विच है वो आपका मतलब वो आपका कंट्रोल एक्शन है। उसी तरीके से ट्रैफिक लाइट का ले लीजिए। ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम उन तीनों लाइट्स को सेट कर दिया, रेड, ग्रीन और येलो लाइट को आपने, या फिर ऑरेंज लाइट को आपने सेट कर दिया कि 5 मिनट तक ये जलेगी, 3 मिनट तक वो जलेगी और 2 मिनट तक वो जलेगी, पूरा सिस्टम आपने सेट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ
कि अब वहां पर जो भी जैसे भी कितना ही ट्रैफिक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे उस लाइट को कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा ओपन लूप सिस्टम जब हम पढ़ेंगे। तो वो भी एक कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम ऐसे है कि आपने कुछ इनपुट दे दिया, अब उधर से क्या ट्रैफिक आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपने इनपुट दे दिया। उसी तरीके से हीटर जो है ये भी एक ओपन लूप सिस्टम है, जैसा कि यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया ये एक ओपन लूप सिस्टम है। अब अगर इसी हीटर में मैं कोई ऐसा सेंसर लगा दूं, इसको मैं ऑटोमेटिक बना दूं, मतलब इसके अंदर कोई सेंसर लगा दूं कि ये आप उसके अंदर मान लीजिए आपको रूम का टेम्परेचर चाहिए, मान लीजिए 25 से या फिर मान लीजिए 30 से 35 डिग्री तक आपको टेम्परेचर चाहिए। इससे ना 35 से ज्यादा होना चाहिए ना 30 से कम होना चाहिए, इसकी रेंज में रहना चाहिए। तो आपने ये जो इनपुट है ये आपने हीटर को दे दिया कि मुझे इतने ही टेम्परेचर इसके अंदर चाहिए, इसकी वजह से चाहिए, ठीक है। अब आपने स्विच ऑन कर दिया, परमानेंटली आपने स्विच ऑन कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक सेंसर लगा है, हीट सेंसर लगा है, जो कि इस टेम्परेचर को लगातार नोट कर रहा है। तो मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर आया 32 डिग्री, इसने जब नोट करा तो 32 डिग्री आया रूम का, तो वो जो टेम्परेचर है वो इसके इनपुट से मैच करेगा ये कि इस रेंज में है या नहीं है। अगर इस रेंज में है तो ये हीटर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। फिर उसके बाद आपने टेम्परेचर बाद में नोट करा तो वो आ गया 37 डिग्री, तो इसका मतलब है कि इसने ज्यादा हीट दे दी, इतनी आपके रूम को जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा ये सेंसर उसके कंट्रोलर को बोलेगा कि आप इस हीटर को थोड़ी देर बंद कर दीजिए ताकि ये टेम्परेचर वापस से कम हो जाए। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम हुआ ना कि आपने ऑटोमेटिक इसके अंदर सिस्टम दे दिया, तो ये क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है। क्योंकि जो सेंसर है, जो सेंसर आपने लगाया वो यहां पर फीडबैक का काम कर रहा है, वो इस टेम्परेचर को नोट करके ऑटोमेटिक कंट्रोलर को सेंड कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि आप इस हीट को कंट्रोल करिए। इस तरीके से ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये हम देखते हैं। अब जो इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसके अंदर स्टेबिलिटी का फर्क आ जाता है, सेंसिटिविटी चेक करनी होती है, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स चेक करना होता है, एरर आ जाती है, तो ये सारी जो सारी बातें हैं ये सब हम पूरे सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यही सब कुछ हम आगे देखेंगे कि कैसे सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उसका आउटपुट आ रहा है, अगर हम उसके अंदर ये डिस्टरबेंस दे तो क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें इस पूरे सब्जेक्ट में हम देखेंगे। तो ये इसका मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया, क्लोज लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल ओवरव्यू बताया। अब अगर मैं देखूं कि एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना सही आपका सिस्टम है। मतलब कि मुझे जैसे कि हीटर का ही मैं एग्जांपल ले लूं, तो अगर मुझे 30 से 35 डिग्री के अंदर टेम्परेचर चाहिए तो मैं ये चाहूंगा कि उसके अंदर कोई एरर नहीं आए, मतलब वो 36 डिग्री जाए ही नहीं या 37 डिग्री जाए ही नहीं, या जाए तो बहुत जल्दी वापस आ जाए। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि मिनिमम एरर, उसके अंदर एरर कम से कम हो तो मेरा सिस्टम मोस्ट एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेसी का मतलब हो गया। तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए अच्छे कंट्रोल सिस्टम के लिए। स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूं सर, स्टेबिलिटी से आप ये समझ सकते हो कि कोई भी सिस्टम हुआ, मान लीजिए मैंने इस पेन को मैंने मान लीजिए तोड़ दिया, तो अगर ये इस पेन को तोड़ने के बाद अगर ये पेन वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है थोड़ी देर बाद, तो ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। और अगर ये उसी स्टेट में रह जाता है और वापस से नहीं आ पाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में, तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। तो यही स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें कुछ डिस्टरबेंस देने के बाद वो अपनी अगर ओरिजिनल स्टेट को अटेन कर लेता है तो वो स्टेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब गुड स्टेबल सिस्टम होता है। और अगर वो नहीं कर पाता है तो अनस्टेबल सिस्टम होता है। स्टेबिलिटी हम आगे डिटेल में देखेंगे सभी सिस्टम्स के लिए, तो स्टेबिलिटी शुड बी गुड फॉर एनी सिस्टम, ठीक है। सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं। जब भी आपने अभी तक सेंसिटिविटी का शब्द नाम सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि सिस्टम सेंसिटिव होना चाहिए, डिस्टरबेंसेस के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने जो सुना है, यहां पर बातें अलग है लेकिन आपने जो सुना है, जैसे आपने वोल्ट मीटर देखा होगा, वोल्ट मीटर सेंसिटिव होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देता है, ठीक है, आपको रीडिंग नोट करता है, तो वो रीडिंग जो है वो आप देखते हैं वहां पर, अलग अलग यहां पर लगी होती हैं। अब जैसे ही कोई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है या कोई डिफ्लेक्शन होता है तो ये जो आपका पॉइंटर है ये आपका रीडिंग चेंज करता है।
अब अगर ये आपका लो सेंसिटिव होगा तो ये उस वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को नोट ही नहीं कर पाएगा, और उसको नोट नहीं कर पाएगा तो आप भी नोट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वोल्ट मीटर जो है हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज करा तो यहाँ पर आपको पता लगना चाहिए। उसी तरीके से एम मीटर हो गया, वॉट मीटर, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। कोई भी आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके हाईली सेंसिटिव होने चाहिए। तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो लेस सेंसिटिव होनी चाहिए डिस्टरबेंसेस से, मतलब कि अगर किसी कंट्रोल सिस्टम में आपके कोई डिस्टरबेंस आता है तो उस डिस्टरबेंस का असर आपके आउटपुट पर नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपने इनपुट दिया उस इनपुट से रिलेटेड ही आउटपुट मिलना चाहिए, ना कि इस डिस्टरबेंस से रिलेटेड आउटपुट मिले। इस डिस्टरबेंस का अगर इस पर फर्क ही ना पड़े तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फर्क पड़ता है, एरर आती है, उसको हम मिटाते हैं, वो हम देखते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो लेस सेंसिटिव शुड बी अ कंट्रोल सिस्टम, एंड द कंट्रोल एलिमेंट्स, जो उसके अंदर कंट्रोल एलिमेंट्स लगा रखे हैं वो हाईली सेंसिटिव होने चाहिए, क्योंकि अगर वो हाईली सेंसिटिव होंगे तब आपका कंट्रोल सिस्टम लेस सेंसिटिव होगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो भी आगे समझ में आ जाएगी। नॉइस की हम बात करते हैं। नॉइस खुद एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल्स, जो हम चाहते नहीं हैं वो सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं तो वो नहीं आने चाहिए, मतलब कंट्रोल सिस्टम उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए या उनको हटाने के काबिल होना चाहिए, तो वो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होता है कि आपकी कंट्रोल सिस्टम जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज में काम कर सकता है। तो बैंडविड्थ अगर आपकी ज्यादा होगी तो कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज उसके पास होंगी तो ज्यादा ऑपरेशन के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, या ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं काम करने के लिए। तो कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई भी कंट्रोल सिस्टम आपका स्पीड कम है तो उसका क्या काम है? जैसे स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, मान लीजिए आपका इनपुट, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, यहां पर आपको पहुंचना है, तो आप एक तो ऐसे पहुंचे, एक आप ऐसे पहुंचे, एक आप ऐसे पहुंचे, तो ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत धीरे पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ये वाला सिस्टम उससे कम टाइम ले रहा है, ये वाला सिस्टम बहुत ही कम टाइम ले रहा है, तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम प्रिफर कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि सबसे कम टाइम लग रहा है। लेकिन आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्पीड जो है वो ट्रांजिएंट एनालिसिस में काम आती है, या फिर ट्रांजिएंट एनालिसिस हम स्पीड के नेचर को डिसाइड करते हैं, और जो ये इसका स्टेडी स्टेट एरर है, जो इसका कांस्टेंट आगे जब ये चला गया, इससे कभी मैच नहीं हुआ, तो ये जो है ये इसका एरर है, तो ये हम आगे देखेंगे, स्टेडी स्टेट एरर में हम देखेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सीधी सी बात आप ये समझिए। ऑसिलेशंस की बात करें तो फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। आपका कोई भी कंट्रोल सिस्टम है वो किसी वैल्यू पर तो चला जाए, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू पर तो रीच कर गया लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वो तो आपके सिस्टम को अनस्टेबल बनाएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए लेस से लेस ऑसिलेशंस हों, और आपका एक्यूरेट टाइम पर और एक्यूरेट स्पीड से पहुंच जाए, एक्यूरेसी अच्छी हो, ये हम कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट में चाहते हैं। तो ऐसा कंट्रोल सिस्टम आपका होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बताया ही है कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम डिटेल में स्टडी करूंगा, दोनों के अंदर डिफरेंस हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया या कंट्रोल सिस्टम का बेस जो है वो अभी भी तैयार नहीं हुआ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की।